23 जून को विपक्षी दलों की बैठक पटना में होने वाली है, जबकि इससे पहले ही नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को अपनी पार्टी से आउट कर दिया है, या यूं कहें कि जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को बड़ा झटका दिया है। महागठबंधन में शामिल जीतन राम मांझी की पार्टी ने बड़ा कदम उठाते हुए हम कोटे से मंत्री संतोष सुमन ने बिहार कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। उधर इस सियासी घटनाक्रम के बीच बिहार की विपक्षी पार्टी बीजेपी ने दिल्ली में रणनीतिक तैयारी तेज कर दी है। राज्य के पार्टी नेता आज दिल्ली में दो दिवसीय बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें नीतीश कुमार की ओर से बुलाई गई विपक्षी एकता की बैठक को लेकर सियासी प्लान फाइनल किया जा सकता है। बिहार बीजेपी की इस बैठक में क्या क्या महत्वपूर्ण हो सकता है वो सब बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये भी जान लीजिए कि ये चर्चा फिर तेज हो गई है कि जीतन राम मांझी की पार्टी महागठबंधन से अलग होने के बाद एनडीए के साथ जाने पर विचार कर सकती है। क्योंकि आपको याद होगा 13 अप्रैल को जीतन राम मांझी ने अमित शाह से मुलाकात की और ठीक दो महीने बाद इसी तारीख को संतोष सुमन ने इस्तीफा दिया है। ये महज संयोग है या जानबूझकर इस तारीख को इस्तीफे के लिए चुना गया, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए, हो सकता है कि दिल्ली में बीजेपी की इस बैठक में पार्टी नेतृत्व जीतन राम मांझी की हम पार्टी के अलावा चिराग पासवान, मुकेश सहनी को लेकर भी कोई बड़ा फैसला करे। और बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग में दो तीन बड़े मसले हैं, वो क्या है जिस पर चर्चा हो सकती है और कुछ फैसला होने की भी उम्मीद है, भले ही वो सारे सार्वजनिक ना हो। एजेंडे में सबसे ऊपर 23 जून को पटना में नीतीश कुमार की मेजबानी में हो रही विपक्षी दलों की एकता मीटिंग है, इसको लेकर बिहार में पार्टी की क्या रणनीति हो और क्या एक्टिविटी प्लान की जाए, इस पर भी फैसला होगा। संभावना है कि बिहार बीजेपी उस दिन पटना में कोई कार्यक्रम करके एकजुटता मीटिंग के लिए आ रहे विपक्षी दलों और उनके नेताओं पर सवाल उठाए। दूसरा अहम फैसला क्या? दूसरा अहम फैसला ये कि प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की टीम, देखिए 23 मार्च को ही बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बन चुके सम्राट चौधरी ने अब तक अपनी कोई टीम नहीं बनाई है, जबकि 3 महीने हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव में अब 8-9 महीने ही बचे हैं, ऐसे में सबकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, इसके लिए टीम का गठन होना जरूरी है। और तीसरा मसला क्या? तीसरा मसला ये कि लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में एनडीए का स्वरूप कैसा रहे और उसमें किन किन दलों और नेताओं को जोड़ा जाए। और चौथी अहम चर्चा की, पीएम नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आ रहे हैं, जिसके बाद खुद प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने की, और अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि पीएम मोदी की रैली 23 जून को विपक्षी एकता की मीटिंग के बाद होगी, ताकि बिहार में एकजुट हुए विपक्ष पर मोदी जवाबी हमला कर सके। वहीं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी पार्टी की आगे की क्या रणनीति रहने वाली है, उस पर भी कोई फाइनल फैसला हो सकता है। फिलहाल अहम ये रहेगा कि बीजेपी की तरफ से महागठबंधन की बैठक का जवाब लगे हाथ मिल जाएगा। और साथ ही नीतीश के सामने एक बड़ी चुनौती ये भी है कि विपक्षी दलों की मीटिंग के बाद पीएम मोदी का बिहार दौरा, इसके लिए पुरजोर तरीके से नीतीश कुमार को तैयार होना होगा। फिलहाल खबर समाप्त। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, और साथ साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।